डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी सी एडवांस्ड है। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि अगर आपको टैली में पेरोल सिस्टम मेंटेन करना हो, यानी एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी देनी है, किस तरह से उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है एम्प्लॉयज़ का, तो किस तरह से आप टैली में वो रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। टैली ओपन करते हैं और टैली ओपन करने के बाद अपनी कंपनी पर आ जाते हैं। हमारी कंपनी का नाम है a4accounting। अच्छा, इसमें जब आप ओपन करते हैं तो इस वक्त आपके सामने जो है वो पेरोल का रिकॉर्ड कहीं पर भी शो नहीं होता, मतलब पेरोल का जो फीचर है वो इनेबल नहीं होता। उसे आपको इनेबल करना पड़ता है। इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, फीचर्स में F11 फीचर्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर है अकाउंटिंग फीचर्स, अकाउंटिंग फीचर्स पर आ जाइए, ठीक है। और अकाउंटिंग फीचर्स पर आने के बाद यहाँ पर देखे हुए कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है मेंटेन पेरोल, ठीक है। इसे कर दीजिए यस, ये इस वक्त नो हुआ है, इसे यस कर दीजिए। मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इसको भी यस कर दीजिए, इसे भी यस कर दीजिए, इसे भी यस कर दीजिए और इसे भी यस कर दीजिए। जब आप इसे यस करेंगे तो वो आपसे क्लास पूछेगा कॉस्ट सेंटर की, इसे आप टैब दबा के स्किप कर दीजिए, बाद में देखेंगे इसको, और एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है जी। अब आप बैक आएंगे तो अब आपको यहाँ पर देखिए पेरोल इन्फो नज़र आ रहा है और पेरोल वाउचर नज़र आ रहा है। ये इससे पहले आपको नज़र नहीं आता था, लेकिन अब आपको जो है वो पेरोल इन्फो भी नज़र आ रहा है और पेरोल वाउचर भी नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास पेरोल का डाटा है ना, उसको बनाना, उसको मेंटेन करना थोड़ा सा एक लंबा प्रोसीजर है, तो मैं आपको ये स्टेप्स में समझाऊंगा। आप किस तरह से समझना है आपको, ज़रा समझेगा इसको। सबसे पहले आप मास्टर्स में आएंगे और यहाँ पर है पेरोल इन्फो, पेरोल इन्फो पर क्लिक करेंगे आप। जब आप पेरोल इन्फो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक विंडो ओपन होगी जिसमें कुछ बातें लिखी हुई, जैसे यहाँ पर लिखा है पे हेड्स, एम्प्लॉय ग्रुप्स, फिर एम्प्लॉय के नेम, फिर यूनिट्स या वर्क, फिर अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप, फिर वाउचर टाइप एंड देन क्विट। सबका अलग अलग मकसद है। सबसे पहले हम बात करेंगे पे हेड्स के हवाले से। ये पे हेड्स क्या होते हैं? पे हेड्स से मुराद ये होती है कि जब आप एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करते हैं तो उसके अलग अलग हेड्स होते हैं। मिसाल के तौर पर कि एक उसकी होती है बेसिक सैलरी, ठीक है। इसी तरीके से आप उसे देते हैं कोई अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस देते हैं, हाउस रेंट अलाउंस देते हैं, कुछ डिडक्शंस करती हैं, इनकम टैक्स डिडक्शन करते हैं, प्रोविडेंट फंड वगैरह देते हैं, तो वो सब आपके क्या कहलाते हैं? पे हेड कहलाते हैं, ठीक है। तो वो आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहला काम जो करेंगे, हम एम्प्लॉयज़ की बात बाद में करेंगे, पहले हम उनकी सैलरी के हवाले से बात करते हैं। तो सबसे पहले आप पे हेड्स क्रिएट करेंगे। इसके लिए आप पे हेड्स पर आएंगे, पे हेड्स में जाएंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्रिएट, डिस्प्ले पर नहीं आ रहा ऑप्शन, ऑल्टर पर नहीं आ रहा और क्वाइट है, क्योंकि इस वक्त कोई हेड क्रिएट नहीं हुआ हुआ। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, क्रिएट पर जाएंगे। जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे, ये आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपने हेड्स क्रिएट करने हैं। कैसे हेड्स क्रिएट करने आएंगे, ज़रा मैं आपको ज़रा समझा दूँ। फॉर एग्जांपल के सबसे पहला हेड जो आप क्रिएट करने जा रहे हैं, जो एम्प्लॉय का सबसे पहला हेड होता है, वो होता है उसकी बेसिक सैलरी। तो नाम लिखेंगे आप यहाँ पर, सॉरी, बेसिक सैलरी, ठीक है। बेसिक सैलरी जो भी एम्प्लॉयज़ की होगी, ये इसका अल्टरनेट नेम है, इसको छोड़ दीजिए। अच्छा, इसके बाद जब आप पे हेड टाइप पर आते हैं तो यहाँ पर वो आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा है। डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़, यानी एम्प्लॉय की सैलरी में से अमाउंट डिडक्ट होगा, नहीं। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, क्या ये एम्प्लॉयज़ के लिए अर्निंग है? बिल्कुल है। एम्प्लॉयज़ स्टैचूटरी डिडक्शन, यानी कानून की तरफ से डिडक्ट होंगे। एम्प्लॉयज स्ट्रेचुटरी डिडक्शन, ग्रेजुटी, लोन एडवांसेस, रिम्बर्समेंट ऑफ एम्प्लॉयज, ये सारी ऑप्शन मौजूद हैं। तो आपको फैसला करना है कि जो हम बेसिक सैलरी दे रहे हैं वो हमारे लिए क्या है या कंपनी के हवाले से क्या है। तो भाई वो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, कंपनी के लिए वो एम्प्लॉयज़ की अर्निंग है, तो आप अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ पर इंटर करेंगे। इंटर कर दिया आपने, इसके बाद आपको हेड पर आना है कि ये किस कैटेगरी में आता है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर तो ये प्रोडक्शन के हवाले से है तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, लेकिन अगर ये नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंस है, यानी कि मंथली सैलरी वगैरह है, तो फिर ये आपका कहलाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस पर फिलहाल मैं इसे मार्क कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं अपेयर्स इन पे स्लिप, क्या ये इन्फॉर्मेशन आप जब एम्प्लॉय की स्लिप बनाएंगे तो क्या उसकी स्लिप में ये इन्फॉर्मेशन शो होनी चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन उसके स्लिप में शो ना हो, तो आप इसे नो कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन उसके स्लिप पर शो हो, तो इसे यस कर दीजिए। और ये बेसिक सैलरी ऑब्वियसली आपकी स्लिप पर शो होना चाहिए, तो इसे आप यस रखिएगा। अच्छा, नेम टू अपेयर इन पे स्लिप, जब आप स्लिप बनाएंगे तो स्लिप पर ये किस नाम से लिखा हुआ होना चाहिए? आपने तो इसे बेसिक सैलरी का नाम दिया है, सैलरी पर, स्लिप पर अगर आप इसे कोई और नाम देना चाहते हैं तो आप इसे कोई और नाम दे सकते हैं। तो आप
नाम चेंज करना चाहेंगे स्लिप के ऊपर, ये सिर्फ स्लिप के ऊपर नाम चेंज होगा, तो आप इसे नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूँ कि जो बेसिक नाम है वही आपका स्लिप पे भी शो हो। ठीक है, यूज़ फॉर ग्रेजुटी, क्या ये अमाउंट आप ग्रेजुटी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो इसे येस कर दीजिएगा, और अगर नहीं करना चाहते तो इसे नो कर दीजिएगा। कैलकुलेशन टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो अपने एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी देंगे वो कैसे देंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, एज कंप्यूटेड वैल्यू, कोई वैल्यू आपने कंप्यूट की है वो कंप्यूटेड वैल्यू आप यहाँ पर लिखेंगे, खुद टाइप करेंगे, अगर वो है तो ठीक है। एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू, यानी कि अगर आपने कोई वैल्यू डिफाइंड करके रखी हुई है तो आप वो वैल्यू लिखेंगे। फ्लैट रेट, एक फिक्स रेट है वो फिक्स रेट यहाँ पर लिखा जाएगा, अगर वो फिक्स रेट आपने डिसाइन किया हुआ है तो वो लिख दीजिए। ऑन अटेंडेंस, अटेंडेंस के बिहाफ पर अगर आप यहाँ पर सैलरी देना चाहते हैं तो ऑन अटेंडेंस को मार्क कर दीजिए, यानी कि अगर आपने 4 दिन काम किया तो 4 दिन की सैलरी मिलेगी। इस तरह से ऑन प्रोडक्शन, यानी यूनिट्स के हिसाब से अगर आपने काम किया, प्रोडक्शन के हवाले से काम किया है उसके हिसाब से अगर आप देना चाहते हैं तो उसके हिसाब से दीजिए। नॉर्मली ये ऑन प्रोडक्शन जो है वो डायरेक्ट लेबर के लिए होता है, फिर वो आपकी डायरेक्ट सैलरी बन जाती है। तो फिलहाल मैं इसको करता हूँ एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू, यानी कि इस सैलरी को जो है वो मैं डिफाइन कर, नहीं बल्कि इसको फ्लैट रेट करता हूँ, बेसिक सैलरी। फ्लैट रेट यानी फिक्स्ड रेट होगा यहाँ पर एक, इसको मैं डिफाइन नहीं करूँगा, एक फिक्स्ड रेट होगा सैलरी का, बेसिक सैलरी का 15,000-20,000 मंथली फिक्स है। ठीक है, फ्लैट रेट, तो फ्लैट रेट पे क्लिक किया। कैलकुलेशन पीरियड, कैलकुलेशन कैसे कर लिए, डेली करनी है या 2 हफ्ते बाद करनी है या मंथली करनी है या वीकली करनी है, जो आपको मुनासिब लगे। तो नॉर्मली बेसिक सैलरी जो है वो जो फ्लैट रेट है वो मंथली कैलकुलेट किया जाता है, तो इसमें मंथ्स पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आप प्रोडक्शन पे करते हैं तो आप वीक भी कर सकते हैं, डे भी कर सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे। तो मैं मंथ्स पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, वो कहते हैं राउंडिंग मेथड, राउंडिंग मेथड से मुराद ये होती है कि अगर आपकी वैल्यू डेसिमल में आ रही है तो डेसिमल को राउंड ऑफ कैसे करना है, ये क्या राउंड ऑफ करना भी है या नहीं करनी है, ऊपर की तरफ करना है, नीचे की तरफ करना है या नॉर्मल करना है, वो आपको बता रहा है। तो मैं कहता हूँ कि भाई हमारी वैल्यूज है वो डेसिमल में नहीं आती हैं, तो नॉट एप्लीकेबल एप्लीकेबल कर दीजिए, आपको जो मुनासिब लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल कर दिया। इसके बाद वो कहता है कि कोई इसका ओपनिंग बैलेंस है, मैंने कहा नहीं कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। अच्छा, उसके बाद पूछता है यस, आप इसे कर दीजिए यस। ठीक है, इसे यस कर दीजिए, सेव हो गया, ये एक हेड क्रिएट हुआ। अब दूसरा हेड मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर, हाउस और रेंट अलाउंस, यानी मैं अपने एम्प्लॉयज़ को हाउस रेंट अलाउंस भी देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये किस हेड में आएगा, ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ के हेड में आएगा। ठीक है, ये भी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अपीयर इन पे स्लिप, क्या ये पे स्लिप में शो होना चाहिए? बिल्कुल सो होना चाहिए, और हाउस रेंट अलाउंस के नाम से ही शो होना चाहिए, ग्रेजुटीज़ पर नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब कैलकुलेशन टाइप इसकी क्या होनी चाहिए, इसकी कैलकुलेशन टाइप मैं करता हूँ एज कंप्यूटेड वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू मैं कंप्यूट करूंगा, यानी इसकी वैल्यू हम कंप्यूट करेंगे, और कैसे कंप्यूट करेंगे उसका तरीका भी हमें बताना पड़ेगा। एज कंप्यूटेड वैल्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर राइट साइड पर एक विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, खैर यहाँ पर राउंडिंग मेथड पूछा है, राउंडिंग मेथड को नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ मैं। अब वो पूछा जब मैं इसे कंप्यूट करूँ तो मैं किस पे कंप्यूट करूँ, ऑन करंट डिडक्शन टोटल, जो आपने डिडक्शन की है उस डिडक्शन पे कंप्यूट करना है, मैंने बोला नहीं, ऑन करंट अर्निंग्स टोटल, जो भी आपकी करंट अर्निंग है उस पर टोटल, उस पर कैलकुलेशन करनी है। मैं कहता हूँ हाँ, या कहता है कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला आप लगाना चाहते हैं तो आप कोई फॉर्मूला बता दीजिए, या करंट सब टोटल पे करना है तो उस पर कर लीजिए। तो फिलहाल मैं कहता हूँ करंट टोटल अर्निंग, जितनी भी आपकी टोटल अर्निंग होगी हम उस पर जो है वो बेसिक सॉरी हाउस रेंट अलाउंस पे करेंगे, तो इस पर कर दीजिए। अच्छा, इफेक्टिव फ्रॉम कब से आपको ये देना है, 1 जनवरी 2021 से, और फ्रॉम अमाउंट अगर आप कोई अमाउंट देना चाहते तो वो यहाँ पर दे सकते थे, लेकिन अप टू अमाउंट कहाँ तक आप हाउस रेंट अलाउंस दे सकते हैं, यानी कि अगर बेसिक सैलरी जो है 4 लाख रुपए है, 4 लाख का आप बोल देंगे 10% दे रहे हैं तो 40,000 रुपये बन जाएगा, तो क्या 40,000 आपकी लिमिट है? अगर आप इसे कहते हैं नहीं भैया 30,000 तक हम हाउस रेंट अलाउंस दे सकते हैं, जो भी परसेंटेज होगी 20,000-30,000, लेकिन 30,000 से ज़्यादा नहीं हो, तो वो अमाउंट यहाँ पर आप फिक्स कर सकते हैं कि इससे ऊपर अमाउंट नहीं जाएगा। अच्छा, खैर मैं अमाउंट को फिक्स नहीं कर रहा। स्लैब टाइप, कैसे देना है भैया, परसेंटेज देना है, कोई वैल्यू फिक्स देनी, तो मैं कहता हूँ इसको परसेंटेज पे क्लिक कर दो, और इसकी परसेंटेज होनी चाहिए, सपोज कर लेते हैं कि इसकी परसेंटेज हम करते हैं 15%, नहीं 15% नहीं 10% कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू होगी 10%। ठीक है, टैप कर दीजिए। अगर फिर कोई डेट देना चाहिए, फिर कोई आप कंप्यूटेशन देना चाहते हैं इसकी, तो मज़ीद कोई इफेक्टिव यानी कि मज़ीद नेक्स्ट डेट से इसकी परसेंटेज अगर चेंज हो जाए तो वो यहाँ पर देना चाहते हैं, फिलहाल मैं एक ही परसेंटेज अप्लाई करना चाहता हूँ, एंड देन टैप दबा के इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। ये हो गया हाउस रेंट अलाउंस। अच्छा, इसी तरीके से मैं क्रिएट करता हूँ मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस पे आ गया, ये भी इंप्लॉयज के लिए अर्निंग है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, शो हो मेडिकल अलाउंस के नाम से। यूजर डिफाइंड वैल्यू नहीं, कंप्यूटेड वैल्यू के हिसाब से मैं इसे कैलकुलेट करूंगा, कंप्यूटेड वैल्यू नॉट एप्लीकेबल।
करंट अर्निंग पे इसे भी कैलकुलेट करना है, अमाउंट फिक्स नहीं कर रहा परसेंटेज के हिसाब से, और इसकी परसेंटेज मैं फिक्स करता हूँ सपोज़ कीजिए 20% मेडिकल अलाउंस, 20% जो भी बेसिक सैलरी होगी उसका अमाउंट 20% से होगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका फिक्स अमाउंट भी लिख सकते हैं, नॉर्मली मेडिकल अलाउंस जो फिक्स भी होता है, तो आप जैसे चले मैं इसे फिक्स कर देता हूँ, यूज़र डिफाइंड वैल्यू, सॉरी यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर आके इसको वैल्यू कर दीजिए, और वैल्यू कर दीजिए सपोज़ कर लीजिए कि इसकी जो वैल्यू होगी फिक्स्ड वैल्यू होगी, मैं कर देता हूँ इसे 10,000 रुपये। अब आपकी सैलरी जितनी भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो अमाउंट है वो कितना बन जाएगा, 10,000 रुपये अमाउंट बन जाएगा, ठीक है जी। अगर आप ऐसे देना चाहते हैं तो ऐसे कर दीजिए, और अगर परसेंटेज के हिसाब से देना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर इसे जो परसेंटेज कर दीजिए जो आपको मुनासिब लगता है। तो सपोज़ कीजिए मैं परसेंटेज दे रहा हूँ यहाँ पर, इसे कर देता हूँ मैं 20%, ठीक, और इसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, मेडिकल अलाउंस के बाद मैं क्रिएट करता हूँ कन्वेंस अलाउंस। अब ज़्यादा जल्दी जल्दी क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे आपको अभी एक चीज़ और समझानी है, ठीक है। एम्प्लॉय की अर्निंग है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, शो हो, यूज़र डिफाइंड वैल्यू नहीं होगा, कंप्यूटेड वैल्यू होगी अभी, और टोटल अर्निंग पे कैलकुलेट करेंगे और परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, और हम ये कैलकुलेट करेंगे कितने परसेंट होगा, ये सपोज कर लेते हैं हम, या इसकी वैल्यू फिक्स कर लेते हैं, इसकी फिक्स वैल्यू कर लेते हैं, इसकी इसकी वैल्यू फिक्स करके हम कर देते हैं इसे 5,000 रुपये कन्वेंस अलाउंस, ठीक ठीक है जी। अच्छा, कन्वेंस अलाउंस के बाद अब मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एम्प्लॉय के लिए अर्निंग्स नहीं है, ठीक है। इनकम टैक्स जो है वो आपके एम्प्लॉयज़ के लिए अर्निंग नहीं है, बल्कि ये एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट होता है, डिडक्शंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर ये डिडक्ट किया जाएगा तो फिर ये आपके लिए क्या है, अगर आप एम्प्लॉय की सैलरी में से इनकम टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं तो ये आप लेकर रखते हैं और ये आपको गवर्नमेंट को जो है वो पे करना है, तो आपके लिए ये करंट लाइबिलिटी है, ठीक है, करंट लाइबिलिटी है, अपेयर इन पे स्लिप इनकम टैक्स के नाम से। कैसे कैलकुलेट करना है भाई, ये भी परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा एज कंप्यूटेड वैल्यू, ठीक है। करंट टोटल करंट अर्निंग पे कैलकुलेट किया जाएगा, कितने परसेंट कैलकुलेट करेंगे, जो भी आपके इनकम टैक्स का रेट है, फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम कर लेते हैं कि 5% जो है वो आपका इनकम टैक्स होगा, जो भी आपकी सैलरी होगी उस पर से 5% डिडक्ट कर लिया जाए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप प्रोविडेंट फंड, सॉरी मैं कहीं गलत जगह चला गया, प्रोविडेंट फंड, PROVIDEND, प्रोविडेंट, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, और ये आ जाता है, ये भी आप एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से डिडक्ट करते हैं, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो इसे भी आप डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय पे क्लिक कर दीजिए, ये भी आपके लिए करंट लाइबिलिटी है। वैसे तो ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। यूज़र डिफाइंड वैल्यू नहीं, ये भी होगी कंप्यूटेड वैल्यू आपकी, ठीक है, और परसेंटेज के हिसाब से, और ये आप सपोज रख करेंगे 10%, ठीक है जी। तो ये आपने यहाँ पर जो है वो तमाम अपने अकाउंट्स क्रिएट कर लिए, डिस्प्ले करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर जाइए, ये आपको सारे के सारे यहाँ पर आपके पे हेड्स शो हो रहे हैं कि हम एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी देते हैं उसमें क्या क्या यहाँ पे जो है वो आप अपनी सैलरी में आप उसे देते हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। आप इसमें अगर ऐसे चेक करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स पे, तो इनकम टैक्स पे क्लिक कीजिए, ये आपको इसकी डिटेल शो कर देगा, ठीक है। और अगर आप किसी को ऑल्टर करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपको लगता है कि मैंने ये अमाउंट फिक्स लिख दिया, ये परसेंटेज पे होना चाहिए, परसेंटेज में लिख दिया फिक्स होना चाहिए, तो आप उसे यहाँ पे आके ऑल्टर कर सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कन्वेंस को ऑल्टर करना चाहूँ तो यहाँ पे आके मैं इसे ऑल्टर कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू फिक्स रखी है, मैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। या कोई भी और चेंजेस यहाँ पे करना चाहता हूँ, नाम वगैरह व्हाटएवर, तो वो मैं यहाँ पर इसे क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, ठीक है जी। फिलहाल मैं कोई चेंजिंग नहीं कर रहा। फिलहाल आज के इस लेक्चर में हमने सिर्फ पे हेड्स क्रिएट किए हैं कि हम एम्प्लॉयज़ के पे हेड्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है वो समझ में आई होगी। इंशाल्लाह फिर हम मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम ये समझेंगे कि अगर एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करेंगे हम तो किस तरह से पे करेंगे। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।